स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा। और Xiaomi जो है उनकी जो Redmi Note सीरीज रही है वो हमेशा से इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपको एक सही दाम पे बहुत ही जबरदस्त तरीके की स्पेसिफिकेशंस मिलती है। हमेशा Redmi Note सीरीज लाइनअप में जितने भी स्मार्टफोन्स रहे हैं वो एक एस्पिरेशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सही प्राइस पॉइंट पे आपको बढ़िया बैटरी मिल रही है, बढ़िया कैमरा, बढ़िया डिस्प्ले, सब कुछ उस प्राइस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा वैल्यू वाला मिल रहा है। चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो ज्यादा बैटरी कैपेसिटी हो, ज्यादा रैम हो, या कोई भी चीज ज्यादा करनी हो, Xiaomi को पता है भैया ये खेल कैसे खेलना है। पर जो नया Redmi Note 11 Pro Plus 5G है, ये जो स्मार्टफोन है ये 20,000 रुपए से ऊपर ऊपर आ रहा है, तो भैया ये तो एक सेगमेंट ही अलग हो गई, ये एक क्षेत्र ही अलग हो गया। तो क्या Xiaomi जो है वो इस बार ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि भैया चीजें महंगी हो गई हैं और अब ये फोन किसी और तरीके के सेगमेंट के लोगों के लिए ही है? क्या ऐसा है कुछ, या फिर आज भी ये फोन एक सही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है कि नहीं? इस तथ्य पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है Redmi Note 11 Pro Plus 5G का, वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और ये 20,999 रुपए पे उपलब्ध होता है। आपको 8GB रैम तक मिल सकता है यहाँ पे उसी 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपए पे, और ये 24,999 रुपए का पड़ेगा अगर आपको 8GB रैम चाहिए 256GB स्टोरेज के साथ। उस लेवल पे आपके पास और भी चॉइस होंगी, जैसे कि OnePlus Nord Z 2, Realme 9 Pro Plus 5G और IQ Z5। और Xiaomi जो है वो अपना लो एंड का Redmi Note 11 Pro भी बेचता है जिसके अंदर 5G नहीं है और थोड़ा सा कमजोर SoC है, पर वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus ऑलमोस्ट प्लेन सा ही दिखता है, कुछ ज्यादा डिजाइन के मामले में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2-स्टेप कैमरा मॉड्यूल है बैक पे जो कि अलग से एकदम दिखाई देता है डिजाइन के मामले में। फ्रंट जो है Redmi Note 11 Pro Plus का पूरा ब्लैक है और यहाँ पे एकदम प्रोमिनेंट ट्रांसपेरेंट कैमरा लेंस है टॉप पे जिसमें एक सिल्वर रिंग लगी हुई है। और ये कैसी चीज है जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग सा लगता है? ये फोन जो है 3 रंगों में उपलब्ध होगा, फैंटम व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक और मिराज ब्लू। और आपको यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्टिंग वेव्स दिखाई देंगी, यानी कि एकदम अलग सा ही पैटर्न दिखाई देगा बैक पे जो कि लाइट को कैच करता है जो अगर आप इस फोन को आगे पीछे घुमाते हैं। ये जो मोशन की जो एक फीलिंग आती है ना इसको देख के, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि आप पूल के सरफेस पे पानी को देख रहे हैं। Redmi Note 11 Pro Plus के टॉप पे आपको एक 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा, एक ग्रिल मिलेगा ईयरपीस स्पीकर के लिए और एक इंफ्रारेड एमिटर मिलेगा जिसकी मदद से आप अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर बटन इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है यहाँ पे और वॉल्यूम बटन भी है राइट पे, और ये सारे हाथ की पहुंच में है तो बढ़िया बात है। यहाँ पे हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे है, USB टाइप सी पोर्ट है और प्राइमरी स्पीकर है जो कि सारे बॉटम पे है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड जो है एकदम खाली है। जो इसका वजन है वो 202 ग्राम है और 8.12 मिलीमीटर की जो यहाँ पे थिकनेस है ना, ये अबव एवरेज है। Xiaomi का कहना है कि यहाँ पे उन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रयोग किया है और फ्रॉस्टेड ग्लास का प्रयोग किया है रियर पे। ये जो फोन है IP53 टेस्टेड है जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी रीअश्योरेंस मिलती है। अब अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G आता है Qualcomm के Snapdragon 695 सिस्टम ऑन चिप के साथ। आपको यहाँ पे 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है और ये जो फोन है 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो अगर आप उस चार्जर को इस्तेमाल करें जो कि बॉक्स के अंदर आपको मिला है। सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा सा पुराना सा है ये फोन। Redmi Note 11 Pro Plus 5G में MIUI 13 दे रखा है जो कि अभी भी भैया Android 11 पे ही चल रहा है और Android 12 का अपडेट जल्दी आना चाहिए। MIUI में काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं और iOS की तरह ही अगर आप डाउन स्वाइप करेंगे राइट में कैमरा होल से तो तेजी से आपको क्विक टॉगल्स दिखाई दे जाएंगे और लेफ्ट से स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे। सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे और फीचर्स के लिए, जैसे कि लाइट मोड, दूसरा एक सेकंड स्पेस प्राइवेसी के लिए, फ्लोटिंग विंडोज और फ्लोटिंग शॉर्टकट साइड बार के लिए। पर दिक्कत की बात यह है कि कुछ कुछ डिफॉल्ट एप्स हैं जैसे कि गेट ऐप स्टोर और MX प्लेयर, उनके अंदर एड नोटिफिकेशन बहुत आते हैं अगर उनको आप खोलेंगे नहीं तो पर भी, और जो विडजेट्स
गैजेट्स हैं उनके अंदर भी बड़ा सारा प्रमोशनल कंटेंट भरा हुआ है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आज की डेट में तो भैया ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिससे हम ये आशा करें कि वो लैग करेगा ज्यादा। तो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में भी मॉडर्न एक सिस्टम ऑन चिप दे रखा है, तो बेसिक मल्टीटास्किंग और ऐप खोलने में कहीं पे भी ये लैग नहीं करता है। जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है वो बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे, और MIUI में बड़े सारे एनिमेशंस हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट थी UI रिस्पॉन्सिवनेस में, जो अगर हम 120 हर्ट्ज पे इसको चला रहे थे। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी हद तक फास्ट और इजी टू यूज है यहाँ पे, और फेस रिकॉग्निशन भी सही से काम करता है। हमने ये देखा कि डिस्प्ले जो थी वो तेज धूप के अंदर भी रीडेबल थी, और बढ़िया डिस्प्ले और कलर्स एकदम ही विविद है यहाँ पे। और कुछ कुछ लोगों को शायद से ऐसा लगेगा कि वीडियोस देखते वक्त थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड सा है ये। स्टीरियो स्पीकर जो है यहाँ पे वो बढ़िया वेल बैलेंस्ड है और साउंड काफी हद तक लाउड है। बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया थी और गेमिंग काफी हद तक बढ़िया थी यहाँ पे। और जो ऊपर वाला हिस्सा था Redmi Note 11 Pro Plus 5G का, वो थोड़ा सा गर्म जरूर हो जा रहा था 15 मिनट गेम खेलने के बाद, पर Asphalt 9 Legends यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के चल रही थी और BGMI भी यहाँ पे बढ़िया चल रही थी। Redmi Note 11 Pro Plus 5G बढ़िया था भाई बैटरी लाइफ के मामले में भी, और बॉक्स के अंदर मिले हुए चार्जर की मदद से हम इस फोन को 0 से एकदम 36% तक चार्ज कर पा रहे थे 15 मिनट में, और 66% तक हमने इसको चार्ज कर दिया था सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर। अगर हम बात करें कैमरास के बारे में तो Xiaomi ने डेफिनेटली कॉम्पिटिशन को काफी हद तक कड़ी टक्कर दी है कैमरास के मामले में। खासकर ऑन पेपर अगर देखा जाए Redmi Note 11 Pro Plus 5G में एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है, यहाँ पे OIS नहीं है और वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक जाती है, जो कि थोड़ी सी दुखद बात है। यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। दुख की बात यह है कि 5 मेगापिक्सल का जो टेली मैक्रो कैमरा था, जो कि पिछले साल के Redmi Note 10 Pro सीरीज में था, वो यहाँ पे नहीं है। फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, और जो हमने शॉट लिए थे 108 मेगापिक्सल कैमरा से, वो पिक्सल विनिंग की मदद से 4000 बाय 3000 पिक्सल्स के हो जाते हैं, और आपको 12000 बाय 9000 पिक्सल्स के शॉट मिल सकते हैं अगर आप पूरे रेजोल्यूशन पे शूट करना चाहे तो। जो हमने डाउन सैंपल फोटोज लिए बाहर के वातावरण में डे टाइम में, उनमें काफी हद तक बढ़िया डिटेल आ रही थी और बढ़िया कलर्स भी आ रही थी अगर हम उसको कंपेयर करें फुल रेजोल्यूशन 108 मेगापिक्सल की इमेजेस से। पर जो पूरी एक्चुअल कैपेबिलिटी है 108 मेगापिक्सल शॉट की, वो ये है कि आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं और उसमें क्रॉप कर सकते हैं। डिटेल जो था बढ़िया था क्लोजअप शॉट्स में, पर थोड़ा बहुत कम हो जा रहा था अगर सब्जेक्ट्स जो थे वो थोड़ी दूरी पे थे तब। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है यहाँ पे, उससे ज्यादा वाइब्रेंट शॉट्स नहीं मिल रहे थे हमको, और थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी और वार्पिंग हो रही थी फोटोज के अंदर। जो दिन के समय में लिए गए मैक्रो शॉट्स थे वो डिसअपॉइंटिंग थे, और पोर्ट्रेट्स बढ़िया आ रहे थे। रात के समय में Redmi Note 11 Pro Plus 5G का मेन कैमरा ठीक ठाक था, डिटेल कमजोर सी लगी हमको वहां पे, और शॉट्स जो थे वो काफी से मर्की से लग रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था किसी ने ऐसे स्मज सा कर दिया उनको, और कंप्रेशन थी उनमें काफी ज्यादा, और अगर अच्छी लाइटिंग ना हो तो ये सब हमें देखने को मिल रहा था। और रात के समय में कोई फायदा ही नहीं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या फिर मैक्रो कैमरा का इस्तेमाल करके। वीडियो रिकॉर्डिंग काफी हद तक बढ़िया थी, पर यहाँ पे यार एक दुखी करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग या फिर 1080p 60 fps रिकॉर्डिंग नहीं है। दिन के समय में लिए गए फुटेज जो था मेन कैमरा से, वो थोड़ा सा ज्यादा वार्म सा लग रहा था, पर ओवरऑल क्वालिटी शार्प थी और बढ़िया लग रहा था देखने में। अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिया गया फुटेज थोड़ा सा ग्रेनी सा लग रहा था, और क्वालिटी में डेफिनेटली वहां पे कमी थी। दोस्तों जो Redmi Note 11 Pro Plus 5G वो ठीक है, जो वो है जो चीज़ दे रहा है उसके हिसाब से, पर ये सेगमेंट लीडर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इतना पैसा खर्च ही रहे हैं तो आप OnePlus Nord CE 2, Realme 9 Pro Plus 5G, iQOO Z5 इन स्मार्टफोन्स की तरफ भी अपनी दृष्टि घुमा सकते हैं कि भाई इतना पैसा दे ही रहे हो तो थोड़ा और बेहतर ही ले लो। और इसमें मतलब सब कुछ ठीक ठीक है, पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट इन क्लास है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको Redmi Note 11 Pro Plus 5G कैसा लगा भैया हमको बताओ कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।